प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, स्थानीय पार्षद आरती सिंह के अलावा स्कूल की प्रधानाचार्य सहित अन्य शिक्षक और स्कूल के छात्र मौजूद रहे। इस मौके पर सबसे पहले सांसद रवि किशन ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया, दीप प्रज्वलित करके किया गया कार्यक्रम का शुरुआत। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को स्वच्छता का शपथ दिलाया। अपने संबोधन में रवि किशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ की और उपस्थित छात्रों से कहा कि अपने जीवन को शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा में भी लगाएं और लक्ष्य बनाकर चलें। इस मौके पर छात्रों के अनुरोध पर सांसद व भोजपुरी फिल्म के अभिनेता रवि किशन ने गीत भी गाया, जिस पर छात्र मंत्रमुग्ध हो गए। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने कहा, इतना रेनी रेलवे और फिर आर्मी स्कूल, उसके बाद आज 100 CBSE के विद्यालय। मैं कहूंगा हर्ष हर्ष, आप कहेंगे जय जय। हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष, स्वस्थ। हम भारत के लोग शुभ अंतकरण पूर्ण विश्वास राष्ट्रीय समर्पण तथा संकल्प के साथ शपथ लेते हैं कि पर्यावरण के प्रति संतुलन व समन्वय की हमारी चिर पुरातन मान्यताओं और परंपराओं का अनुपालन अपने व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में करेंगे। व्यक्तिगत जीवन, परिवार जीवन तथा समाज जीवन में स्थायी भाव प्रदान करेंगे। जल के बिना जीवन की कल्पना बेमानी है। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए सक्रिय प्रयास हम अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार जीवन व समाज जीवन में करेंगे तथा जल के सदुपयोग के साथ साथ प्रयोग किए गए जल का पुनः प्रयोग का प्रयास अनिवार्य रूप से करेंगे। पर्यावरण व स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक संकट बन गए टाइम यूज प्लास्टिक
पॉलिथीन प्लास्टिक व थर्मोकोल के ग्लास दोना पत्तल आदि का प्रयोग हम अपने यहाँ पूरी तरह से बंद करेंगे। अपने परिचितों को यहाँ उनके यहाँ भी बंद करवाने के लिए प्रेरित करें। मैं अपने जीवन में इधर उधर कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने की बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। अपने गांव, कस्बा नगर के वातावरण में प्रदूषण कम करने के लिए हम प्रत्येक माह के किसी एक दिन नो पेट्रोल डे को नियमित रूप से मनाएंगे तथा उस दिन पर्यावरण के संरक्षण के साथ पेट्रोलियम संसाधन का संरक्षण भी सुनिश्चित करेंगे। मैं स्वच्छता अभियान में स्वच्छता ग्राही बनकर अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना नगर, अपना स्कूल, अपना खेल स्थान, अपना कार्यस्थल स्वच्छ रखने में सहभागी योगदान करूंगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की आधारशिला पर सामर्थ्यवान शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपने व्यक्तित्व सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। भारत माता की वंदे वंदे। अच्छा लग रहा है हमको कि गोरक्षनाथ की ये कपोर भूमि, ये पावन भूमि पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ उनकी आत्मा बसती है, संघ का जो गढ़ है, संघ की विचारधारा की एक शक्ति का प्रवाह यहाँ तो पूरे देश में जाता है, संघ का एक इतिहास है और जिसको आज पूरा विश्व संघ की ताकत को और उसकी विचारधारा की ताकत के सामने आज पूरा विश्व झुक गया है, नमन कर रहा है। ये संघ की विचारधारा है कि आज हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनकर रह गया, अंग्रेजिस्तान नहीं हुआ, इंग्लिशस्तान नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग खत्म हो गए होते, हम लोग बर्बाद हो गए होते। जैसा कि अंग्रेज और जैसे कि अंग्रेज छोड़ कर गए थे, जैसे उनकी विचारधारा कि हम लोग हिंदुस्तान से तो चले जाए लेकिन हिंदुस्तान का नाश कर जाए, संघ की उस सारी विचारधारा और सारे क्रांतिकारियों को उस सारे देशभक्त को मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद उनका, आशीर्वाद उनका और कृपा उनकी। ये देश मिली है संघ विचारधारा से, अगर ये विचारधारा नहीं होती तो देश छिन्न भिन्न हो गया होता, इसके टुकड़े हो गए होते, हमारे वंश और हमारी आने वाली वंश खत्म हो गई होती। हमको पता ही नहीं होता अगर संघ नहीं होता कि हमारा इतिहास क्या है, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे बाप दादा क्या थे, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा धर्म क्या था। उसको बचाया है संघ, संघ की विचारधारा हमारी पहचान को, हमारी मूल जड़ों को बचाया है संघ की विचारधारा। हम लोग जीवित हैं, सांसें ले रहे हैं स्वाभिमान के साथ, क्योंकि ये भारत, ये धरती, इसमें हमारा इतिहास पलता है,
हमारे देवी देवताओं का इतिहास पलटा है जिसको मिटाने की कोशिश की गई थी और कई बार की गई। हम लोगों को हमेशा ध्वस्त करने की कोशिश की गई हमारी ही धरती पर, हमारे ही भारत पर। मैं ऋणी हूं इस संघ विचारधारा का, मैं ऋणी हूं सारे संघ क्रांतिकारियों का और हम सब ऋणी। तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि आज मैं जीवित उठा, आज मेरे पास मेरी आंख है, मेरा हाथ है, पैर है, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं मेरे भारत में हूं, मैं मेरे देश में हूं और मेरा देश आजाद है, विचारधाराओं से भी आजाद है। भारत माता के प्रेम में चल पड़े, हिमालय भी गए, संघ विचारधारा के लिए प्रचार करने लगे, प्रचारक बनकर भी देश भ्रमण किए, सेवा की। तभी आपको सूची का क्या जरूरत है सेवा करने की? संघ परिवार या संघ प्रचारक लोगों से आप मिलेंगे कुछ नहीं होता, ना पहचान होती है उनके पास, ना अखबार में आना उनको, ना इंटरव्यू देना, ना आलीशान कोई मकान उनके पास, ना आलीशान कोई कपड़े है, ना आलीशान गाड़ी, ना कोई बैंक बैलेंस। कभी आप सोचिएगा क्यों क्यों लोग प्रचारक बनते, क्यों इतनी बड़ी एक फौज बन गई है संघ विचारधारा की, क्या पाते हैं ये लोग और क्या मिलता है इन लोगों को? इन लोगों को मिलता है मां भारती का आशीर्वाद, इन लोगों को मिलता है मां भारती की सेवा का प्रसाद। कुछ नहीं चाहिए, फ्रंट में भी नहीं आता संघ परिवार, संघ विचारधारा अखबार में नहीं आती, नाम लोग नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे चुनाव में मैंने देखा यहां 60 लाख से ऊपर हमको वोट पड़ा, ये विचारधारा हर घर में घूम रही है, कोई चेहरा नहीं है संघ का, सिर्फ मां भारती की सेवा, मेरी धरती की सेवा, मेरे भारत की सेवा। इधर ऊपर आया अपनी लड़ाई मैंने स्वयं लड़ी, लेकिन मेरे भारत का नाम या भारत माता की जय पर हमेशा एक आंखों में आंसू और जब भारत माता की बोलते ही एक खून में संचार हो जाता था, ये पता नहीं क्या था मेरे अंदर, नहीं तो मैं अपना करियर छोड़ के यहां आता नहीं सेवा भाव में, देश की सेवा में। मैं तो अपनी बहुत कलरफुल जिंदगी जी रहा था। यही आप लोगों को सोचना है कि आप लोग का जन्म किस कारण हुआ है। आप हर बच्चे जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं, भैया बहन जितने भी हैं हमारे, तो सारे भैया बहन को मैं एक बात आप लोगों को ध्यान से देर बता देना चाहता हूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ऐसो मान लीजिएगा, ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस। आज मैं आपका गोरखपुर का सांसद हूं, आप लोगों की कृपा से मैं पूरा विश्व में जाना जाता हूं, क्यों विश्व में सब लोग जानते हैं हमको, वर्ल्ड फेम हूं मैं, हर भाषा में काम करता हूं, पूरे देश के हर भाषा में मैं एकमात्र सुपरस्टार हूं, जो साउथ में भी उतने ही पॉपुलर है जितने नॉर्थ में। क्यों? कारण ये है, जान लीजिए, हम जब छोटे थे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बहुत कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का ये जन्मदिन का सेवा दिवस चल रहा है, ये सत्ता सेवा सप्ताह चल रहा है, जहां पे उनकी बातें उनकी जानकारियां जो शपथ हमने दिलवाया ये सबको हमको जनवाना है, पूरे देश में ये मुहिम चल रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाते नहीं, तो हम लोग उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में, इस देश के बारे में, और ऐसे अद्भुत मसीहा बार बार जन्म नहीं लेते, उनके सम्मान में ये सारी सेवाएं चल रही है, इसमें सेवा भी हो रही है, जानकारियां भी मिल रही है, देश तरक्की क्या कर रहा है वो भी पता चल रहा है,
गोरखपुर कितना तरक्की कर रहा है ये लोग आप रोज अखबार में पढ़ ही रहे हो। चौमुख यहाँ पर पूरी विचारधारा के साथ साथ यहाँ 20,000 करोड़ का निवेश चल रहा है। पूज्य महाराज जी और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी, कल पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, आप लोग देख रहे चारों तरफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, इनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी झूठ नहीं बोलते। वो 370 बोलते एजेंडा में हटाना है तो 370 हटा, कैसा लगा आप लोगों को? 35A हटा, ट्रिपल तलाक बिल हटा, अनगिनत बिल अभी हम थे पार्लियामेंट में उस वक्त, और अभी विंटर सेशन में देखिएगा और बड़े बड़े बिल ला रहे हैं, संशोधन चल रहा है, दिन रात पढ़ाई चल रही है, हम भी पढ़ रहे हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो ये असर है इस पार्टी का हम पर, ये असर है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि आप सब लोग जितने भी भैया बहन लोग हैं, आप लोग सब जन्म लिए हो किसी कारण से, ऑटो का नाशे जन्म नहीं लिए हो, आप लोगों का एक एक भैया बहन लोग का जन्म किसी कारण से हुआ है, कारण आप लोगों को खोजना है। देश की सेवा के साथ, राष्ट्र की सेवा के साथ, इस धरती को प्रेम करते करते वो कारण खोजना है। कैसे हम पढ़ाई में आगे आए, कैसे हम स्पोर्ट्स में आगे आए, कैसे हम प्रदेश का नाम करें, कैसे हम देश का नाम करें, जैसे कि हमारे दो भैया लोगों को राष्ट्रपति से सम्मान मिला संस्कृत। यहाँ पे आके आज हमके इतना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, 2000 बच्चे हमारे यहाँ पे, यहीं से बच्चे राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाते हैं इसी विद्यालय से। तो ये बढ़िया विद्यालय, यहाँ पे बातें हुई प्रधानमंत्री के जन्मदिन के बाद, हम लोगों की जो सेवा सप्ताह चल रहा है उसमें सारी जानकारियाँ पूरे देश भर में चल रही हैं। तो मैं गोरखपुर का सांसद होने के नाते अभी यहाँ पर हर विद्यालय में, हर जगह पे, हर स्थान में, समूह में, चौराहे पे जा जाके हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल आप ना करें, पानी को जितना बचाएं, नहीं तो कहा गया है कि आने वाले 20 साल बाद पानी नहीं रहेगा, 15-20 साल, तो अगर आप हम लोग पानी नहीं बचाते हैं तो ये बहुत बड़ी वार्निंग है ग्लोबल तरीके से। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं कहा कि अगर जल संरक्षण आप नहीं करेंगे 20 साल बाद आपको पानी मिलेगा नहीं, जल होगा ही नहीं। तो ये लगाना और पेड़ लगाना और प्लास्टिक का उपयोग ना करें,
जैसे प्लास्टिक की थैली फेंक देते हैं, जो कल महाराज जी भी कह रहे थे कि प्लास्टिक खा खा के गाय लोगों के और ये सब इन लोगों के पेट में इतना बड़ा बड़ा गोला होता है और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो गौवंश की भी रक्षा होगी, आपके शरीर की भी रक्षा होगी, और प्लास्टिक के अलग अलग केमिकल्स हैं जो आपके शरीर को हानि पहुँचाते हैं, तो प्लास्टिक का कृपया उपयोग आप लोग बंद कर दें। आज सब लोगों को सब लोग संकल्प लिए, हम भी संकल्प लिए, सफाई हो, आज बहुत सारे कार्यक्रम, आप लोग चलिए साथ। हाँ, मंदिर तो देखो वही देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम प्रणाम करते हैं, हमारे भगवान राम जी का 100 करोड़ की आस्था के भगवान हैं, उनका जन्म वहीं हुआ था, मंदिर वहीं बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी, उनके पास भी डिटेल और हिस्ट्री सब कुछ है कि वहाँ पर कैसे उनके मंदिर को तोड़ के ध्वस्त किया गया था, तो वहीं पर हमारे भगवान राम को स्थान मिल जाएगा, हम 100 करोड़ हिंदुओं को मोक्ष मिल जाएगा। देखिए वो ये तो मंदिर का तो हम लोगों का पहले से ही मंदिर, हमारा तो ये आस्था, ये तो मंदिर तो बनना ही है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं की का एजेंडा है।